हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इट्स फैक्ट मैनिया में। मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, उसका नाम है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेडिटेशन की दुनिया में एस्ट्रल ट्रेवल प्रोजेक्शन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं, मतलब अपने शरीर से बाहर निकलना। चलिए समझते हैं क्या है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और थोड़ा डिटेल में इसे एक्सप्लोर करते हैं। असल में आप जिस शरीर को जानते हैं वह आपका सिर्फ भौतिक शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो एनर्जी के रूप में होती है, जिसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप जो दुनिया देख रहे हैं वह बस इतनी ही एग्जिस्ट करती है? लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ 3 डायमेंशन से बनी दुनिया है, अभी तो 11 डायमेंशन बाकी है। इन डायमेंशन की दुनिया को आप सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवल के समय ही अनुभव कर सकते हैं। शुरुआत में साइंस भी यही मानता था कि सिर्फ 3 ही डायमेंशन हैं इस दुनिया में, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने सबके सोचने का तरीका ही बदल दिया 3 से अधिक डायमेंशन को खोजकर। असल में हम जो देख रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा डायमेंशन मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन डायमेंशन को क्यों नहीं देख पाते। हम इन सभी डायमेंशन को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी हमारे 5 इंद्रियों में लॉक्ड है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर की कोई लिमिट नहीं है। वह किसी चीज़ से बंधा नहीं है, वह ऐसी ऐसी चीज़ों को अनुभव कर सकता है जिसको हमारा भौतिक शरीर नहीं कर सकता। एस्ट्रल ट्रेवल करते समय आप जो चाहे वह कर सकते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी दुनिया में कहीं भी आ और जा सकता है। एस्ट्रल ट्रेवल करने के 3 तरीके हैं, जिसे मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।